श्रीगंगानगर में सीमा सुरक्षा बल, जिला प्रशासन और पुलिस के संयुक्त तत्वावधान में ऑपरेशन सीमा के तहत नशा मुक्ति जन जागृति कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कलाकारों की ओर से प्रस्तुतियों के माध्यम से नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जानकारियां दी गई। इस मौके पर युवाओं को नशे से दूर रहने की शपथ भी दिलाई गई। अधिकारियों ने सीमा क्षेत्र में संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत प्रशासन को देने की अपील की है। तो जैसे कि बताया गया सभी को कि नशे के क्या क्या दुष्प्रभाव हैं, कैसे उनसे बचा जा सकता है, सभी सीमांत क्षेत्रों के ऊपर जो हमारा जो पूरा प्रोग्राम है कि किस प्रकार से नशे को हम रोक सकें, अगर कोई सूचना कोई भी संदिग्ध व्यक्ति ऐसा दिखता है, चाहे ड्रोन के माध्यम से पिकअप करने के लिए आया है, चाहे किसी और माध्यम से मेडिकेटेड नशे के माध्यम से, तो उसके बारे में हमें सूचना दी जाए। और किसी भी प्रकार से अगर कोई पड़ोसी देश के द्वारा कोई भी ऐसी कोई हरकत की जाती है, चाहे वो फोन के माध्यम से, लुभाने के माध्यम से, हमारी फोर्सेस के बारे में समझने के माध्यम से, उन सबको हम कैसे रोकें और ज्यादा से ज्यादा नशे को हम कैसे पकड़ें, इसके बारे में एक संदेश देने के लिए आज एक प्रोग्राम यहाँ पे भी रखा गया है। आज यहाँ पर मंडी के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजित किया गया और उसके जो ऑपरेशन सीमा का कार्यक्रम है उसमें नशा मुक्ति का एक संदेश दिया गया, राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर चर्चा की गई और एक नया टैग सेंटेंस के साथ कि मुझे गर्व है कि मैं नशा मुक्त हूँ, 1000 टी-शर्ट्स मंडी के द्वारा लोगों को वितरित किए गए जो साधुवाद के पात्र है। मैं समझता हूँ कि इस प्रकार के आयोजनों से समाज में नशे का जो चलन है उस पर कहीं ना कहीं रोक लगाने में एक बहुत मदद हासिल। अभी फिलहाल हमारी पीछे की 50 किलोमीटर का एरिया सीमा से पीछे हटके हमें दे दिया गया है और उसमें हमारी जिम्मेदारियाँ बहुत बड़ी हैं, क्योंकि राज्य संघ सरकार ने ये सोचते हुए कि हमारी सीमा सुरक्षा बल को कुछ जिम्मेदारियाँ बढ़ाई गई हैं कि जैसे हथियारों का दूसरे देशों से आना, ड्रग्स का आना या कुछ हमारी आर्मी और BSF के बारे में गुप्त सूचनाएं लेना, ये सोचते हुए हमारे को राज्य केंद्रीय सरकार ने हमारे को 50 किलोमीटर का एरिया दिया गया है और इसमें BSF की बहुत ही जिम्मेदारियाँ बढ़ गई हैं और हमारी दिन व रात यही ड्यूटी करते हैं कि दूसरे देश से नशा से संबंधित या हथियारों से संबंधित इस प्रकार का कोई भी नहीं हो सके, ये हमारे आज से मैं बंटी जी हमने सीखा जी आज के बाद हम नशा नहीं करेंगे। जो हमने प्रोग्राम देखा बहुत ही अच्छा लगा और हम नशे के खिलाफ हैं, जो भी कोई सूचना मिलेगी हम पुलिस प्रशासन को देंगे। जिला कलेक्टर साहब आए थे, उनसे बहुत बढ़िया हमारे को पता लगा भी ये नशा मारा होता है और नशे के लिए हम वर्कलाप रहेंगे, नाम ही हमारे को पता चलेगा तो हम बताएंगे।